हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नासिर है। आज हम बात करने वाले हैं तीन फोटो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में, जिससे आप अपनी नॉर्मल फोटो को भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस ऐप की बात कर रहे हैं, इसका नाम है सेल्फी सिटी। ये काफ़ी सिंपल ऐप है और ईजी टू यूज़ है। इसमें आपको काफ़ी सारे फिल्टर मोड मिलते हैं, काफ़ी सारे फिल्टर हैं और ऐसे ऐसे फिल्टर हैं जो आपको किसी एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। तो फिल्टर के सहारे से आप अपने फ़ोटो को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। फ़िल्टर को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कम करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं, तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से फ़ोटो को देखते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक और देख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ऐसे में बैकग्राउंड में काफ़ी फ्लावर्स सा आया है, उसे सेव कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं आप पहले फ़ोटो कैसा था और अब कैसा हो गया है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो इसका नाम है पिक्स आर्ट। ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसे सब जानते ही होंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट फ़ोटो कैमरे से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा आपको मोड मिलता है, काफ़ी सारे फिल्टर मिलते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। हाँ, एक बात, इसमें ऐड काफ़ी आती है, तो यह बात का आप ध्यान रखें। ये फ़ोटो मेरा आ गया। इसमें टूल्स में जाते हैं तो देख सकते हैं आप काफ़ी सारे फीचर है इसमें। तो इसमें एडजस्टमेंट में जाते हैं हम। एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, क्लियरिटी है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके फ़ोटो काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। इसमें फ़िल्टर तो काफ़ी सारे हैं, बट सब फ्री नहीं है, आपको काफ़ी सारे परचेस भी करने पड़ेंगे। तो आप बिना परचेस करे भी ऐसे एडिट कर सकते हैं, काफ़ी सारे हैं फ्री। तो जैसे कि मैं यहाँ पे HDR FX में जाके HDR करता हूँ, देख सकते हैं आप फ़ोटो काफ़ी शार्प हो जाती है इससे। तो अभी सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले फ़ोटो कैसी थी और अब कैसी है। अब जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्नैपसीड। ये बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर फ़ोटो एडिटिंग। इसमें आप अपने फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पहले हम यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। ये फ़ोटो मैंने चूज़ कर लिया। इसमें भी काफ़ी सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं, बट अगर आप मैनुअली इसे एडिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फ़िल्टर तो काफ़ी दिए हैं। चलिए मैं इसे टूल्स में जाते हैं हम इसके। देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे फ़ीचर मिलते हैं टूल्स में। तो इसमें मैं ट्यून इमेज पर जाता हूँ। तो इसमें एडजस्ट करने का है आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शेडो, एम्बियंस, सैचुरेशन, जो भी आपको एडजस्ट करना है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो ये एडजस्ट हो गया है, इसको ओके कर देते हैं। अब हम जाते हैं टूल्स में। टूल्स में एक फीचर है हेड पोज का। जैसे कि आपका फेस अगर थोड़ा राइट या लेफ्ट हो गया तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, देख सकते हैं आप। तो जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से अपना हेड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये सही हो गया, ओके कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम टूल्स में HDR में। HDR से आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा HDR चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ अभी। देख सकते हैं आप HDR करने से आपके फेस पर थोड़ा सा डार्कनेस आ गया है, तो उसे एडजस्ट कर देते हैं। हम जाते हैं ब्रश में, ब्रश में जाते हैं एक्सपोजर में। अब यहाँ से हम एक्सपोजर सेट कर भी सकते हैं। अब इसको फेस पर देखिए कि थोड़ा थोड़ा आपका डार्कनेस कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको पूरा एडिट कर देते हैं। अब देख सकते हैं फ़ोटो पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो आप ऐसे किसी भी फ़ोटो को, अपने नॉर्मल फ़ोटो को आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसे सेव कर लेते हैं।
तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।